गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए द्वितीय वर्ष नगरीय समस्याएं। आज हम नगरों की एक महत्वपूर्ण समस्या मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन एक अंतर्राष्ट्रीय घुन है जो धीरे 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 पूरे समाज को खोखला कर रही है। आज नशा एक सामाजिक स्वीकृति के रूप में सामाजिक व्यसन बन गया। वैसे आदिकाल से समाज में नशे का अलग अलग रूप में नशा हमको देखने को मिलता था। आज लगभग 30-40% मनुष्य इस बुराई में उलझा हुआ है और अपनी आय का, जो उनकी डेली आय है, मासिक आय है, उसका 60% मद्यपान में व्यय कर देता है। अभी हमने देखा था लॉकडाउन पीरियड में सभी दुकानें बंद थी, शराब माफिया ने बहुत प्रेशर डाला, सरकार की भी अपनी मजबूरी है राजस्व वसूली के लिए। सरकार ने जब दुकान खोली तो मदरा प्रेमियों में एक उत्साह की लहर सी आ गई थी। टीवी चैनल्स ने खूब दिखाई, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब जैसे आपको कोई पासपोर्ट मिल रहा है या आपको जमीन का भूखंड मिल रहा है। इतनी बड़ी लाइनें, उसमें लड़कियां भी शामिल थी, लड़के भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे, जो कोरोना संकट को छोड़ के कि कोरोना हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करके, मास्क नहीं लगाए, सिर्फ शराब की बोतल लेने के लिए सवेरे 5 बजे से दुकान के आगे लाइन लग गए थे। और कुछ जगह तो देखा गया 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। ये बताता है कि कितना नशे का व्यापार है। ऋग्वेद में भी कहा गया है शुचि पावकः उच्यते सोम, अर्थात व्यक्ति को पवित्र और शुद्ध रखने वाले को ही सोम कहा जाता है। अर्थवेद में सुरा शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए किया गया है। बौद्ध काल के जातक ग्रंथों में मद्यपान को व्यक्ति का नाश करने वाला बताया गया। कौटिल्य ने 8 में सैनिकों के लिए मद्यपान पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की है। गुप्त काल में एक चीनी यात्री फायान आया था, उसने कहा भारत में मद्यपान का प्रचलन नहीं है, और उसके मुगल काल में मद्यपान में धीरे धीरे वृद्धि होना आरंभ हुआ। मद्यपान आज क्या है, विलास और वैभव का प्रतीक समझा जाने लगा। सन 1870 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शराब के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी सबसे पहले लगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और सरकार को मद्य और मादक द्रव्यों के माध्यम से आर्थिक लाभ कमाने का एक रास्ता निकाला। और आज आर्थिक लाभ के चक्कर में सरकारें नैतिक और सामाजिक नुकसान को भूल के सिर्फ आर्थिक लाभ देख रही हैं, और एक स्वीकृत व्यवहार के रूप में मद्यपान आ गया है। मद्यपान है क्या? सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जो शराब पीता है मद्य से भी है, और उसकी इसी क्रिया का नाम मद्यपान है। समाजशास्त्री एलियट मेरिल कहते हैं कभी कभी या थोड़ी थोड़ी मात्रा में शराब पीना मद्यपान नहीं है, लेकिन एक समस्या के रूप में, जब एक समस्या के रूप में मद्यपान का तात्पर्य अत्यधिक मात्रा में शराब पीना है, डेली पीना है और जरूरत से ज़्यादा शराब पीना है। मद्यपान का संबंध एक नशीले तरल पदार्थ के प्रयोग से है। मिश्रा कहते हैं मद्यपान वह अवस्था है जब व्यक्ति के लिए शराब पीना इतना आकर्षक हो जाता है कि बिना सोचे समझे वह पीता रहता है, जिससे उसके मन, शरीर, परिवार और समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, कितना इफेक्टेड होंगे, इसकी वो चिंता नहीं करता। डॉक्टर डर्फी कहते हैं मद्यपान शराब पीने की उस आदत को प्रकट करता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करती है, उसके सुखद जीवन का हनन करती है और उसे सामाजिक समस्या का एक पार्ट या अंग बना देती है। अर्थात मद्यपान एक ऐसी आदत है जिससे व्यक्ति के शरीर, मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सामुदायिक कम्युनिटी वेलफेयर, सामुदायिक कल्याण के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। एक समाजशास्त्री फेल चाइल्ड ने तो कहा है शराब की असमान और बुरी आदत ही मद्यपान है। अब इसके बारे में अलग अलग अध्ययन हुए हैं। लिन स्मिथ कहते हैं स्वयं को असमान समझने वाले व्यक्ति सामान बनने की लालसा में मद्यपान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। शराबखोरी पहले सिर्फ सामान्य वर्ग तक ही सीमित थी। समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे, राजा, महाराजा, जमींदार या ऑफिसर्स क्लास, इनमें शराब खोते, लेकिन आज उम्र के हिसाब से छोटे बड़े सब में हो रही है और हर वर्ग में शराब का सेवन हो रहा है। अब इसमें शराब के सेवन में से क्या होता है, रक्त में अल्कोहल की मात्रा बढ़ती है, और जब यह मात्रा 0.3% बढ़ जाती है तो व्यक्ति की गति, चाल,
वाणी, दृष्टि और चिंतन में लड़खड़ाहट व्यवधान आने लगता है। 0.5% की मात्रा होने पर हमारा जो शारीरिक और स्नायी संगठन है, संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। और इसमें देखेंगे आपकी अक्सर जब 0.5% से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अधिक मात्रा में शराब से अंतड़ियों में गैस उत्पन्न होती है, जिससे सर दर्द, मितली और उल्टी आदि होने लगती है। ये धीरे धीरे आंखों पे भी असर डालती है, ज्योति हमारी क्षीण होने लगती है। मनोविश्लेषक मैनेजर कहते हैं मद्यपान एक आंशिक आत्महत्या है, मतलब धीरे धीरे व्यक्ति अपनी आत्महत्या की ओर खुद अपने कदम बढ़ा रहा है। इसके कारण क्या है? इलियट ऑफ मेरिल ने कहा है शराब को मिश्री ड्रिंक, संकट पे बताया, उसको मिजरी ड्रिंक कहते हैं, संकट पे। कहते हैं कार्य का लंबा समय, अपर्याप्त भोजन, आर्थिक सुरक्षा की कमी, भारी कार, गृह व्यवस्था, अज्ञानता इसके लिए जिम्मेदार है। कैटलिन बोंगर, स्टार्लिंग, जेनेट ने इसके कई कारण बताए। परेशान और दुखी जीवन जीने वाला व्यक्ति मद्यपान को एक वरदान मानता है, उसमें लिप्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कार्य की अधिकता के कारण, कठोर मेहनत के कारण, श्रम के कारण लोग थकान मिटाने के लिए मदिरापान करते हैं। मनोरंजन के साधनों की कमी के कारण व्यक्ति मनोरंजन के लिए मद्यपान करते हैं। कुछ लोगों में भ्रांति होती है कि मद्यपान से शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है, इसलिए वो करते हैं। मानसिक दरों जो माए मेंटली वीक होते हैं वो व्यक्ति शराब पीने लगते हैं। आज फैशन में, आज समाज में पूरा फैशन बन गया है फैशन और मनोरंजन के लिए शराब। फिल्मों में देखा कि वो शराब पी रहा तो हम शराब पियेंगे, ये माना जाता है। पार्टीज वगैरह में अगर ड्रिंक पार्टी नहीं रखी जाएगी वो डेड पार्टी है, ड्राई पार्टी है। उच्च स्त्री पुरुष फैशन की ओढ़ में, फैशन की बराबरी में आके शराब पीने लगे। आधुनिक बनने के लिए कुछ व्यक्ति कि शराब पियेंगे हम आधुनिक कहलाएंगे, शराब नहीं पियेंगे हम पारंपरिक कहलाएंगे। भारत में कुछ त्यौहार भी ऐसे हैं जिनमें शराब का प्रचलन है। होली, शिवरात्रि एक सामान्य घटना है। उच्च वर्ग नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार भी आजकल विवाह आदि में शराब पार्टियां रखने लगे। बुरी संगत में चलने वाले, सट्टे में हारने, असफल प्रेम, व्यापार में असफलता, ये भी मद्यपान का एक कारण है। ये कभी कारण आया है कि लगातार 25 मार्च से पूरा मार्च, अप्रैल, मई तक बंद रहा शराब का व्यापार, लेकिन जब जून में शुरुआत हुई, जून में जब शुरुआत की गई, लॉकडाउन हटाया गया, अनलॉक वन फेज चालू किया गया, तो शराब की दुकानों को छूट दी गई। तो 3 महीने, अप्रैल मई 2 महीने लगातार और लॉकडाउन में व्यापार बंद हो गया, लोगों के आजीविका के साधन खत्म हो गए, तो उस तनाव में आके लोगों ने, इसलिए देखा गया कि उस पीरियड में 2 महीने जो घर में रहा और उसमें इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना आ गई कि उसको लगने लगा कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे उसके बाद शराब का सेवन, शराब की बिक्री बहुत हुई है। हानियां देखिए इससे, ये व्यक्ति की कार्यकुशलता, वर्किंग एफिशिएंसी में कमी आती है, राष्ट्रीय संपत्ति का अपव्यय होता है, झगड़े, मारपीट, एक्सीडेंट, व्यक्तियों की शारीरिक क्षति होती है, गरीबी में वृद्धि है, मानसिक असंतुलन में वृद्धि है, व्यक्तिगत विघटन को बढ़ाता है, पारिवारिक विघटन में वृद्धि होती है, अपराध, जितने भी अपराध हैं अधिकतर अपराध शराब के नशे में होते हैं, सड़क दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि है। इसके कुछ प्रकार हैं, दुख के कारण जो मद्यपान करते हैं, मिजरी ड्रिंकिंग, श्रमिकों द्वारा किया जाने वाला मद्यपान थकान मिटाने के लिए, 7-8 घंटे मेहनत करने के बाद में वो शराब पीते हैं और उसमें नशे के कारण उनको लगता है कि मेरी थकान खत्म हो गई। बचाव के लिए एस्केप ड्रिंकिंग, व्यापारियों द्वारा किया जाने वाला मद्यपान का तरीका है। व्यापारी बहुत बिक्री नहीं हो रही, दुख है, है ना, परेशानी को भूलने के लिए, व्यापार में घाटा होने के लिए वो एस्केप करते हैं, अपने दुख को हटाने के लिए, बचाव के लिए मद्यपान करते हैं। एक होती है हैबिचुअल ड्रिंकिंग, आदतन, अब कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई कारण नहीं है, बस शराब पीना है, संगत है कि बेटा, बेटे ने CBSE में 12th में उसको 80% आ गए तो पार्टी हो गई, नया मकान खरीदा पार्टी हो गई, शादी है तो पार्टी है, बिजनेस में लाभ हो गया तो पार्टी है, ऐसे कुछ भी, मतलब इनकी आदत रहती है, शाम को बहुत दिन बाद मिले हैं, चलो भाई तुम आए हो, आज बैठ जाते हैं, ये कुछ कारण है। मद्यपान से जुड़ा हुआ एक और है मादक द्रव्य व्यसन, ड्रग एडिक्शन, ये मद्यपान से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज
मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। नशे के लिए अब शराब ही नहीं, अफीम, गांजा, चरस, भांग, कोकीन, मार्फिन, हशीश, ब्राउन शुगर, पैथोडीन का सेवन किया जा रहा है। लिन स्मिथ के कारण इन वस्तुओं के प्रयोग से, इसका जो प्रयोग करता है व्यक्ति सामान बनने के लिए करता है कि मैं जनरल बन जाऊंगा, एक सामान व्यक्ति बनने के लिए। और एक बार अगर किसी ने इसका शुरुआत कर दी तो फिर वो धीरे धीरे आपकी आदत में शामिल हो जाती है। उसे छोड़ने पे शारीरिक और मानसिक रूप से कठिनाइयां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि मादक द्रव्य व्यसन अल्पकालीन और दीर्घकालीन उन्माद की वह दशा है जो किसी भी नशीली वस्तु के निरंतर उपयोग से उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को हानि और नुकसान होता है। डॉक्टर मामोरिया लिखते हैं, मादक द्रव्य व्यसन देसी या रासायनिक पदार्थों से बनी उन मादक वस्तुओं के सेवन पर निर्भरता डिपेंडेंसी है जो एक आदत के रूप में व्यक्ति के जीवन में सम्मिलित हो जाती है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। अब है क्या मादक द्रव्य व्यसन? समाजशास्त्रीय दृष्टि से हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण करने वाले पदार्थ ड्रग्स या उनके लिए ड्रग्स शब्द या द्रव शब्द का हम प्रयोग करते हैं, अर्थात वे मादक पदार्थ या वे रसायन जो व्यक्ति की मन स्थिति, स्नायुमंडल, अनुभवजनता व चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और ये व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि उनमें दुरुपयोग की क्षमता होती है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग ही मादक पदार्थों का दुरुपयोग ड्रग अब्यूज कहलाता है। इससे शारीरिक मानसिक क्षति होती है ना, आंदोलनात्मक गेटिंग किक है, आमोद ट्रिप है, इसमें चला जाता है व्यक्ति। इसका अर्थ है मादक पदार्थ का तात्पर्य मादक द्रव्य व्यसन से कि कुछ ऐसे नशीले पदार्थ जिन पे शारीरिक निर्भरता फिजिकल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है वो कहलाता है। मतलब हर व्यक्ति उसमें एक बार लेने के बाद वो धीरे धीरे उसके शरीर में हैबिचुअल हो जाता है कि फिर उसको लगता है शरीर संचालन में बाधा पैदा करने लगता है अगर उसको नहीं मिलता है तो भी धीरे धीरे आदि होना हैबिचुएशन कहलाता है। शरीर का मादक पदार्थों के विषैले प्रभाव टॉक्सिक इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वह फिर उस पर डिपेंड हो जाता है, उसके बिना वो रह नहीं पाता। व्यसन और अभ्यस्तता दो चीज़ हैं। देखिए, व्यसन मादक पदार्थ नियमित होने की एक प्रबल इच्छा रखना, इसकी मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वत्व की वापसी के लक्षणों का भरोसा, व्यक्ति और समाज के लिए हानिप्रद। अभ्यस्तता होती है संवेदना उत्पत्ति को अच्छी तरह से जानने की इच्छा रखना परंतु मजबूरी नहीं, मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं, मनोवैज्ञानिक परंतु शारीरिक भरोसा नहीं, स्वत्व वापसी के लक्षण पर, व्यक्ति के लिए हानिप्रद लेकिन समाज के लिए नहीं, ये अभ्यस्तता होती है। ये आज धीरे धीरे एक सामाजिक समस्या के रूप में हो गया है और छूत की बीमारी की तरह जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है ऐसे ही मादक द्रव्य व्यसन की बीमारी फैल रही है। इसमें सर्वाधिक हमारे यहाँ के यूथ जो युवा हैं वो इसमें लिप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे वो अपनी जवानी ध्वस्त कर रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार हमारे जो विश्वविद्यालय परिसर हैं सर्वाधिक नशे के शिकार हैं। 40-50% उच्च शिक्षा संस्थान नशे की बुराई में फंसे हैं। तंबाकू से प्रारंभ होकर तंबाकू, शराब, हेरोइन, चरस, मार्फिन, एलएसडी का नासूर अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर ही नहीं, जबलपुर, रीवा, इंदौर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, नागपुर जैसे शहरों बल्कि छोटे छोटे गांव जो हैं देहात एरिया है पाटन, पनागर, कुंडम, मंडला गांव में भी अपनी दस्तक दे चुका है। 1986 में जयपुर में समाजशास्त्री राम आहूजे ने एक अध्ययन कर बताया था कि विश्वविद्यालय के 26.1% विद्यार्थी जो हैं वो नशे की गिरफ्त में है, जिसमें 23.6% वाणिज्य के हैं, 17.5% कला और मानविकी के हैं, 14% मेडिकल के, 13.6% विज्ञान के, 4.6% इंजीनियरिंग के छात्र मादक द्रव्य व्यसन करते हैं। तो राम आहूजा के अध्ययन में आया कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 90% उन्होंने कहा कि 90% उपयोग करता एक्सपेरिमेंटर्स हैं जो प्रयोग के रूप में ले रहे हैं, जो हफ्ते में एक बार या उससे कम मादक द्रव्य लेते हैं, 9% नियमित हैं जो हफ्ते में रोज कई बार द्रव्य लेते हैं और 1% वे व्यसनी हैं जो द्रव लिए बिना रह ही नहीं सकते। 1990 में मैंने स्वयं जब मैं PhD कर रहा था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन एक अध्ययन, ये PhD विषय था, उसमें किया था 1990, आज से 30 साल पहले। आप सोच नहीं सकते हैं कि जबलपुर जैसा छोटा शहर
जो एक सांस्कृतिक शहर है, शैक्षणिक शहर है, यहाँ 20.32% विद्यार्थी नशे में इन्वॉल्व थे, जिसमें 11.59% छात्र और 8.73% छात्राएं थी। यहाँ 12.3% कला के, 13.22% विज्ञान के, 17.35% वाणिज्य के, 9.91% चिकित्सा, 4.31% इंजीनियरिंग के छात्र और 19.83% कला संकाय, 9.3% विज्ञान। ये छात्र जो है नशे के उसमें इन्वॉल्व थे। इसमें मूलतः इनको 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला निकोटीन, अल्कोहल, सेडेटिव, शामक या शांतिदायक औषधियाँ, स्वापक औषधियाँ, नार्कोटिक्स में भ्रमित करने वाले पदार्थ, हेलोजेनस, ये 6 प्रकार हैं। इसमें एक मूल कारण जो मुझको मिले थे वो था नशे के प्रति युवाओं की उत्सुकता, जीवन के प्रति नीरसता, क्षणिक आनंद की खोज, सामाजिक एकाकीपन, अस्तित्व की पहचान न होना। ये वास्तव में ये क्या करता है, द्रव व्यसन एक समाज विरोधी व्यवहार है। सामाजिक व्यवस्था में संकटग्रस्त व्यक्ति की अव्यवस्थित दशा ही इसका एक कारण है। सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था जो है अव्यवस्था, इसका मूल कारण है। इसका होता क्या है प्रभाव, देखिए इसके कुछ प्रभाव भी डॉक्टरों ने, चिकित्सा ने बताए हैं। नाड़ी और हृदय गति हमारी बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति, चिंतन, अनुभूति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, फेफड़े रोगग्रस्त हो जाते हैं, व्यक्ति असमान व्यवहार करने लगता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, अल्सर हो जाता है, कम दिखाई देने लगता है, बोलने में लड़खड़ाहट होती है। ये बहुत से कारण। अब इसके पीछे मूल कारण क्या है, एक इफेक्ट ऑफ कंपेनियनशिप, संगति का असर, निराशापूर्ण जीवन, फ्रस्ट्रेटेड ड्राइव, बैड हाउसिंग कंडीशन, निवास की दोषपूर्ण दशाएं, फैशन, नगरीकरण, मनोवैज्ञानिक कारण, असमान व्यक्ति, प्रतिकूल परिस्थितियां, नैतिक मूल्यों में पतन, समाज विरोधी तत्वों के निहित स्वार्थ, और एक और है चुनाव की राजनीति। चुनाव में लोगों को नशे में करके अपने पक्ष में वोट कराते हैं। ये कुछ कारण हैं जो दिल्ली, जबलपुर, रीवा के विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि वे अपने दोस्तों की संगत में आकर ही इस प्रकार के गोलियां, नशे की गोली, स्मैक का प्रयोग करने लगे। अब वो उनके लिए ये जो नशा है उनका एक बहुत बढ़िया फ्रेंड है। कुछ लोगों ने कहा कि हम परेशान हैं, कुंठाओं से घिरे हुए हैं, इसलिए करते हैं। फैशन, फैशन भी एक वर्तमान में आधुनिकता एक फैशन बन गया है। नगरीकरण, मनोवैज्ञानिक कारण, कुछ लोग संस्कृति की असुरक्षा और तनाव की मात्रा में शराब पीने, जैसे अभी कोरोना काल में तनाव में हैं कि जीवन क्या होगा, सुरक्षा में असमान व्यक्तित्व, ये कुछ चीज हैं जिनके कारण व्यक्तियों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वास्तव में व्यक्तिगत विघटन इंडिविजुअल करता ही है, पारिवारिक परिवार का विघटन करता है और सामाजिक विघटन। इसके लिए नशा निषेध नीति को लागू करना है, हर देश में है पर उसका कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। एक नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाई जाए। नशा जैसे गुजरात और बिहार में पूर्ण नशाबंदी है, उसी तरीके से पूरे देश में, इन दो राज्यों को ही नहीं पूरे देश में आर्थिक कारण ना मान के सामाजिक और व्यक्तिगत नुकसान को ज़्यादा महत्व देते हुए सरकार को पूर्ण नशाबंदी लागू करना हो। नशा मुक्ति केंद्र अधिक से अधिक स्थापित किए जाएं, स्कूल कॉलेज के आसपास कोई भी दुकान ना हो और यहाँ पे नियमित इनके लेक्चर सीरीज हो, फिल्मों में ऐसे सरसना दिखाए जाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से रोका जाए, क्योंकि नशा पहले नशा होता है, बाद में वो नाश करने लगता है। ये है, कल आपके बाद मैं फिर चर्चा करूंगा, एक और नगरीय समस्या है पर्यावरण प्रदूषण।